सीट थी बॉम्बे साउथ की और कांग्रेस के उम्मीदवार थे यश के पटेल। यश के पटेल यानी मुंबई की बिसात पर कांग्रेस के वजीर, वो वजीर जिसकी धाक राजा यानी बाला साहेब ठाकरे को टक्कर देती थी। कांग्रेस के ऐसे वजीर के सामने राम मनोहर लोहिया के नए दल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से खड़े हुए 37 साल के जॉर्ज फर्नांडिस। 37 साल के इस युवा नेता ने कांग्रेस के उस वक्त के दिग्गज को चारों खाने चित कर दिया। जॉर्ज फर्नांडिस के कमरे में एक फोटो रहती थी, परमाणु हमले के बाद हिरोशिमा की हालत की तस्वीर। ये तस्वीर बताती थी कि युद्ध और परमाणु हमला कितना विध्वंस करते हैं। वो युद्ध और परमाणु हथियारों को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन विडंबना देखिए, वे एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने कारगिल भी देखा और पोखरण परमाणु परीक्षण भी। इसलिए क्योंकि बात दोनों जगह देश की थी और जहां देश हो वहां फिर अपना क्या रहा। उन्हें जिस राह पर देश आगे बढ़ता नजर आया वो उसी राह पर कंकर पत्थर चुनते रहे। वो हमेशा देश की राजनीति को अपनी साफ छवि से नए आयाम देने की कोशिश करते थे, लेकिन राजनीति ने उन्हें क्या दिया? लांछन, झूठे और बेबुनियाद लांछन। और उन्हें लांछन मिले थे कांग्रेस की तरफ से, उसी कांग्रेस की तरफ से जिसके वो विरोधी थे। वही कांग्रेस संसद में जिसके खिलाफ वे फ्रंट फुट पर खेलते थे, वही कांग्रेस जिसके लगाए आपातकाल में वो बागी थे। कारगिल युद्ध के बाद उन पर आरोप लगाया गया कि शहीदों के लिए बनाए गए ताबूत में घोटाला हुआ है। कारगिल ताबूत घोटाले में कांग्रेस ने उन पर कई आरोप लगाए। जॉर्ज के नाम को बार बार घसीटा गया, संसद में उनका बहिष्कार कर दिया गया, कफन चोर तक कहा गया उन्हें। वो इस लांछन के साथ 13 साल जीते रहे और फिर साल 2006 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और जॉर्ज फर्नांडिस को निर्दोष पाया गया। मामले को सुप्रीम कोर्ट तक खींचा गया, वहां भी वो निर्दोष ही पाए गए। साल 2001 में तहलका मैगजीन की तरफ से एक आर्टिकल आया जिसमें बताया गया कि इजराइल बराक मिसाइल सौदे में भी जॉर्ज ने गड़बड़ी की है, लेकिन इस आरोप में भी सीबीआई ने उन्हें निर्दोष पाया। मामला बंद भी हो गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि निर्दोषों पर आरोप लगाने वालों को कोई सजा क्यों नहीं मिलती? बिना फैक्ट्स के आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन झूठ बोलने वालों से सवाल क्यों नहीं करता कोई? जो भी हो, जॉर्ज सर, आप आज हमारे बीच में नहीं हैं। हम आप पर लगे आरोपों और आपको हुई मानसिक परेशानी के लिए शर्मिंदा हैं। हम शर्मिंदा हैं कि हमारे देश के मीडिया और नेताओं ने आपको कफन चोर कहा। आप साफ, सही और सच्ची राजनीति के असल उदाहरण थे। आप उदाहरण थे राष्ट्रवाद की राजनीति के। अटल बिहारी वाजपेयी के रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस का बीती रात निधन हो गया। वो 88 साल के थे और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्हें अल्जाइमर की शिकायत थी और अभी कुछ वक्त पहले ही उन्हें स्वाइन फ्लू भी हुआ था। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी सी है, ऐसा कुछ मिलता ही नहीं जिससे ये लगे कि राजनीति का कोई भी ऐसा पहलू है जिससे वे वाकिफ ना रहे हों। उन्होंने सब कुछ तो देखा था, सब कुछ तो सहा था। समता पार्टी की स्थापना करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस रेल मंत्री, संचार मंत्री और उद्योग मंत्री भी रहे थे। वो गरीबों और पिछड़ों के नेता थे। उन्होंने अच्छे और बुरे हर तरीके के दिन देखे। एक वक्त में दिग्गज नेता रहे जॉर्ज, साल 2009 में ऐसे दिन देखे कि उनके पास दिल्ली में रहने का ठिकाना तक नहीं था। कांग्रेस से 36 का आंकड़ा रखने वाले जॉर्ज अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर में ही कांग्रेस के एक बड़े नेता को ऐसी पटखनी दी कि उनका नाम ही पड़ गया जॉइंट किलर। राजनीति के इस जॉइंट किलर को हमारी टीम की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।